प्रोडक्ट की। और इसके लिए फिर से मैं बता दूं, जो भी लेडीज है वो चाहे तो अकेले में देख सकती है, क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लेडीज के इंटीमेट वॉश के लिए बनाया गया, जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके वॉश के लिए बनाया गया। जैसे अगर बात करें आज इंटीमेट हाइजीन की, अगर हम बात करें तो जो लेडीज का वजाइना है, ये जो वर्ड है वो आगे चलकर मैं डी से रिकमेंड करूंगी, आगे रिप्रेजेंट करूंगी उसको। तो लेडीज के जो इंटीमेट पार्ट्स है उसके लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो बहुत डेलिकेट पार्ट होता है और उसका एक अलग सा साइंस है, जो आगे मैं आपको समझाऊंगी उसके पीछे क्या है। अगर हम बात करें लेडीज के इंटीमेट हाइजीन की, तो कहते हैं लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी एक नेचुरल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसका जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक स्पेशल गुड बैक्टीरिया रहता है जो लैक्टिक एसिड बनाने में मदद करता है। तो लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो एक पीएच होता है वो बॉडी के पीएच से अलग होता है। उसका जो पीएच है वो 3.5 से 4.5 के बीच में ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि उसी पीएच में एक गुड बैक्टीरिया वहां पे अच्छे से रह पाता है। उस गुड बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए उसको एक घर की जरूरत है, उसका एक पीएच की जरूरत है, जिसका पीएच 3.5 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो जाकर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है वो अपना बहुत सारा जो क्लीनिंग होता है ना वो खुद से कर देता है, ताकि वहां का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। बात करें अगर हम लेडीज के पीएच की, तो जैसा मैंने आपको बताया लेडीज का जो बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट का पीएच होता है वो 3.5 से 5.5 के बीच में, 4.5 के बीच में होता है, ताकि जो गुड बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन जब ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, इस पीएच खराब हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत सारी लेडीज को इरिटेशन होने लगती है, उस एरियाज में इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है, वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो पीएच मेंटेन करना उस जगह का बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसके कारण देखे गए कि क्या क्या कारण हो सकता है। बहुत सारी लेडीज बाथ के टाइम पे, नहाने के टाइम पे नॉर्मल साबुन यूज करती हैं। बहुत सारी लेडीज है अच्छे से हाइजीन का मेंटेन ध्यान नहीं देती हैं। लेडीज को बोला जाता है हमेशा कॉटन के अंडरगार्मेंट्स यूज करें, कॉटन के कपड़े पहने, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी देखा जाता है, या आप अगर ज्यादा ही आप सोप वगैरह या वॉश वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो वो भी वहां के पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अगर बात करें रीजन क्या देखा जाता है, नॉर्मली जैसा आपको पता है नॉर्मली जो साबुन वगैरह यूज होता है साबुन का पीएच है 8 से 10, और उस जगह का पीएच होना चाहिए कितना, 3.5 से 4.5, मतलब जितना जरूरत है उससे डबल पीएच वो कर देता है, तो वो डिस्टर्ब कर देता है वहां का पीएच। इसलिए वहां पे इचिंग, खुजली, रैशेस, डिस्चार्ज ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण क्या देखा जाता है, बहुत सारी लेडीज जब पैड्स वगैरह यूज करती हैं, और इसीलिए बोला जाता है पैड्स को भी कम से कम 4-5 घंटे के बाद चेंज कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लड का पीएच होता है, क्योंकि जो उन 4 दिनों में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और वहां का पीएच 3.5 से 4.5 के बीच में, जिसकी वजह से जो पीएच जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी लेडीज में इरिटेशन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं पीएच मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली लेडी जो सोप वगैरह यूज करती है उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। मैक्सिमम उस एरिया का एक स्पेशल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि बोला जाता है लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बोला जाता है, और कहते हैं जितने बैक्टीरिया उस जगह पे होते हैं पूरे बॉडी में उतने बैक्टीरिया नहीं होते, और अच्छे बैक्टीरिया होना जरूरी है। अच्छे बैक्टीरिया जब कम हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आगे चल के लेडीज को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें लैक्टिक एसिड हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया उस जगह के वो लैक्टिक एसिड ही बनाने का मदद करते हैं, और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वहां का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये क्या करता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें लैक्टिक एसिड हो तो वहां का पीएच जो है वो बैलेंस रहेगा और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे। बात करें हमारा जो ये प्रोडक्ट है प्रीवी वॉश, इसका जो ये आप सिंबल देख रहे हैं पिंक कलर का, ये जो सिंबल हमने इस प्रोडक्ट डब्बे पे लगाया है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक सिंबल है, जिसमें प्रीवी वॉश का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स के लिए एक ऐसा वॉश जो इंटीमेट वॉश आपको देता है, एक फीमेल हाइजीन के ऊपर बनाया गया। इसलिए प्रीवी का मतलब प्राइवेट हिडन पार्ट्स, एक जिसके लिए बनाया गया, उसकी हाइजीन के लिए मेंटेन करने के लिए बनाया गया। माय डियर फ्रेंड, आज मैं इतनी डिटेल में जाकर क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज आज बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको ये प्रॉब्लम है लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती है, तो ये बहुत सारी लेडीज को ये इशू है, इसीलिए आज हम इस पर डिटेल में लेकर आए।
अब इसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा माय फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगी मार्केट के प्रोडक्ट से। इसमें जो हमने एक यूनिक चीज डाली है ना, उसका नाम है सुगानेट 160 NC। ये क्या है? ये एक नेचुरली एक निकाला गया एक सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट मतलब ऐसी चीज जो वॉश के लिए यूज होती है, लेकिन ये बहुत माइल्ड होता है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, पहले लेवल पे क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग सर्फेक्टेंट है, और सबसे लास्ट में क्या है, सुगानेट। आप देख रहे हैं इसका, आपकी स्किन पे इसका कोई इरिटेशन नहीं है। वो इतना माइल्ड होता है कि आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है और बहुत नेचुरल तरीके से एरिया को साफ करता है। सल्फेट फ्री है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये सल्फेट फ्री है, ये आपके स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं देता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा एक फोम भी झाग भी क्रिएट करता है और अच्छे से वॉश करने में मदद करता है, और ये वहां का जो पीएच है ना उसको मेंटेन करने में नेचुरली तरीके से हेल्प करता है। ये मार्केट में आपको शायद ही किसी प्रोडक्ट में ये मिलेगा। मैं आगे आपको बताऊंगी जो मार्केट का लीडिंग जो भी चल रहा है उसके भी कंपेरिजन में मैं आपको बताऊंगी, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज, हमने इसमें कोला लिपिड सी डाला है जो कोकोनट ऑयल से निकाला जाता है। तो कोकोनट ऑयल भी एक नेचुरल चीज है, ये भी नेचुरली निकाला जाता है और इसका एनवायरमेंट पे भी कोई ऐसा असर नहीं है। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल जिसको हम कहते हैं, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया वगैरह भी है तो उसको भी मारने का काम करता है। स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं देता है और बहुत सेफ है, और आपको बहुत स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो ये भी हमारे नेचुरली हमने निकाला है कोकोनट ऑयल से, और जो हमने पहला देखा ये भी नेचुरली निकाला जाता है, जो कॉर्न होते हैं उससे ये चीज निकाली जाती है, तो नेचुरली ये दोनों चीजें निकाली गई है। तीसरा है, हमने इसमें लैक्टिक एसिड डाला है जो हम मिल्क से निकालते हैं। ये जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्राइवेट पार्ट्स की जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, तो हमने इसमें लैक्टिक एसिड भी अपना ये डाल दिया है, जो वहां का जो पीएच है उसको मेंटेन करने में, अच्छा रखने में मदद करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी लेकर आई है, और मैंने आपको पहले भी बताया हमारे प्रोडक्ट के हर एक स्किन केयर बॉडी केयर के प्रोडक्ट में हमने मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला है, क्योंकि स्किन तो पूरे बॉडी पे है, तो जहां पे फेस की जो स्किन की जरूरत है वो हर पार्ट्स की स्किन की जरूरत है। तो ये इसमें भी जो मिल जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं वो स्किन को रीजेनरेट करता है, स्किन को नया बनाने में मदद करता है, एक फ्रेशनेस आपको फील होती है। तो ये इसकी सारी खासियत है। और लास्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज डाली है, एक्वाजेल। ये क्या करता है, स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, मतलब स्किन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को मॉइस्चराइज करता है, तो आपके स्किन को अच्छा रखने में, स्किन जितनी नमी रहेगी, जितना वो उसका मॉइस्चराइजिंग रहेगा, जितना वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, उतना स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। तो लेडीज को बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको यूज करने के बाद। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला सल्फेट फ्री वॉश है, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, पैराबेन फ्री है, डायऑक्सिन फ्री है, सोप फ्री है, सोडियम लोराइल सल्फेट फ्री है, सोडियम लोराइल एथर सल्फेट फ्री है, ये हर चीज से इसको फ्री बनाया गया। क्यों? लेडीज की जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, उसको बहुत इंटेंस केयर की जरूरत है, तो वो सारे इसका इसमें हमने इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली है, और इसको डेली यूज आप कर सकते हैं। ये इतना माइल्ड रखा गया है कि आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, और इसकी बहुत अच्छी एक बेरी फ्रेग्रेंस डाला गया है, तो इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसको डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है कि स्किन पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये डेली आप यूज कर सकते हैं, ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जो 3.5 का पीएच बैलेंस उसको मेंटेन करता है, आपका जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, और अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनाइसिस का प्रॉब्लम है, वहां पे इंफेक्शन हो गया है, तो उसको भी होने से रोकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, जलन या इरिटेशन किसी तरीके की नहीं होती है, अगर कुछ स्मेल वगैरह आ रही है तो उसको भी रोकता है, बहुत माइल्ड काम करता है, बहुत हल्की खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, और अगर कोई लेडी जिनके पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल वगैरह चल रहा है, उस टाइम पे उसको जरूर यूज करें, 3-4 दिन तो जरूर यूज करें, बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के जो टाइम चल रहा है उस समय इन्फेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और डिलीवरी के बाद भी आप इसको यूज जरूर करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं।
डायरेक्शन ऑफ यूज 10 ml लेना है, प्राइवेट पार्ट्स पे आपको उसको लगाना है, और जब भी आप नहाते हैं तो सुबह शाम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप नहाए तो उसको जरूर यूज करें, आंखों से दूर रखना है, और एक्सटर्नल यूज के लिए ही इसको बनाया गया है। बेंचमार्क की बात करें, जितने भी लेडीज आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही होंगी उनको पता होगा मार्केट में एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है जिसको हम कहते हैं वी वॉश। वी वॉश का नाम बहुत सारी लेडीज ने सुना होगा। वी वॉश की अगर हम खासियत की बात करें, वी वॉश और हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, वी वॉश जो हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसमें हमारे प्रोडक्ट को सल्फेट फ्री बनाया गया है, वी वॉश में सल्फेट है। दूसरी चीज, इसको डायोक्सिन फ्री बनाया गया है। जो वी वॉश में जो सल्फेट डाला गया है वो स्किन इरिटेंट होता है, स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में सल्फेट फ्री बनाया गया है। और दूसरी चीज, हमने इसमें डायोक्सिन फ्री बनाया है जो आगे चलकर कैंसर होने के जो चांसेस है उसको भी होने से मतलब होने का कारण बनता है। तो ये दोनों से हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट के प्रोडक्ट में आपको सोडियम लोराइल एथोसल्फेट पाया जाता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है प्रीवी वॉश जो है वो मार्केट में सबसे माइल्ड और सबसे सेफ प्रोडक्ट इंटीमेट का है, ये हमारी कंपनी आपको गारंटी कहती है। तो ये आप लोगों को बता सकते हैं, आज बहुत बड़ा मार्केट इसका ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये हमारे प्रोडक्ट का एक डिफरेंस है जो